आजादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत बागली के चापड़ा में शुक्रवार को तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। उस दौरान नगर तिरंगामय हो गया, चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहे थे। रैली में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन और स्कूली बच्चे सम्मिलित हुए। रैली ग्राम पंचायत भवन से प्रारंभ की गई, जो कि चापड़ा के प्रमुख मार्गों से होते हुए पंचायत भवन पहुंची, जहां पर रैली का समापन किया गया। रैली में जनपद CEO प्रभांशु सिंह, जनपद सदस्य श्रीमती संगीता दुग्गड़, सरपंच नाथू सिंह सैंधव मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जिनकी उपस्थिति में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। तिरंगा रैली में रानी लक्ष्मीबाई, भारत माता की झांकियां भी बनाई गई। नगर भ्रमण के दौरान जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। तिरंगा यात्रा का जो आयोजन हुआ है, तो इस बारे में आज चापड़ा में जो तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ, यह मूल रूप से 10 तारीख को होना था, जिसके लिए कि ग्राम पंचायत चापड़ा में विशेष रूप से सरपंच साहब जो हमारे हैं नाथू सिंह जी सैंधव, उनके सरपंच साहब के नेतृत्व में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से उस दिन बहुत बारिश होने की वजह से कार्यक्रम नहीं किया जा सका। तो आज उसी कड़ी में दोबारा उसको नए सिरे से प्लान करके कार्यक्रम किया गया। बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा, कई किलोमीटर लंबी कतार तिरंगा यात्रा में प्रतिभागियों की रही, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक को यहाँ पर शामिल किया गया। बाकायदा DJ वगैरह और झांकी निकाली गई, रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर बैठकर निकली। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो देखने को रही कि आज यहाँ पर गाँव के सेवारत सैनिकों और सेवानिवृत्त सैनिकों का भी सफा बांधकर सरपंच साहब द्वारा सम्मान किया गया। आज़ादी के 75वें महोत्सव जो मनाया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उसी के तारतम्य में ग्राम पंचायत चापड़ा की ओर से यहाँ पर एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। और ये यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से निकली, साथ ही तिरंगा यात्रा में बच्चे, बूढ़े और युवा खूब दिल खोलकर साथ रहे। साथ ही तिरंगा यात्रा में जहाँ देश से के सैनिक थे, वहीं भारत माता भी थी, तो साथ ही झांसी की रानी भी घोड़े पर सवार होकर चल रही थी। और जब पूरे नगर से जब यात्रा गुजरी, तो प्रत्येक घर से पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया लोगों ने। और इसका मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि तिरंगा हर घर आने वाले 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर तिरंगा लहराया जाए, और उसी को मद्देनजर रखते हुए ये विशाल तिरंगा यात्रा यहाँ से निकाली गई थी ग्राम पंचायत चापड़ा के माध्यम से। फौजियों का सम्मान भी किया। साथ ही यहाँ पर 4 जो फौज में रहे हमारे सैनिक, उनका यहाँ पर ग्राम पंचायत की ओर से साल, श्रीफल और साफा बंधा कर सम्मान किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।